रोहित भैया ये क्या कर रही है यार, आपकी टीम पांड्या को कप्तान बना दिया यार, एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी करो। और पांड्या कौन सा तीर मार रहा है भैया, वेस्ट इंडीज से T20 सीरीज हार जाएगी। वैसे भी T20 में पांड्या कप्तान है, ODI में भी तुम लोगों ने उनको बना दिया, क्या तैयारी ब्यारी नहीं करनी, हमसे पहले ही हार मान ली है क्या, तैयारी ब्यारी कर लो ताकि एशिया कप और वर्ल्ड कप में आपके मैच का लोग मजा ले, नहीं तो आप तो फोकट में मुकद में हार जाओगे यार। कुछ कर लो, पांडे से तो कुछ नहीं होना, चलो वो तो T20 है। छोड़ यार बाबर भैया, तैयारी करके कौन सा हमसे जीत लेंगे, एशिया कप और वर्ल्ड कप में हम ही इनको ठोकेंगे, ये इनको भी पता है। इसलिए पांड्या, वैसे T20 में पांड्या खेलता लेकिन पांड्या की भी डांडिया बजा डाली है वेस्ट इंडीज वालों ने, ODI भी एक जीता था भैया, इनको वो टीम बार में नंबर वाली ठोक रही है, ये हमसे क्या मुकाबला करेंगे ये लोग जानते, इसलिए हाथ पे हाथ धरे बैठे, कुछ भी होने वाला नहीं है इस बार तो भैया, एक तरफा मैच जीतेंगे एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी। छोड़ो यार बाबर रिजवान मियां, फोकट में टैटे नहीं करो, वो T20 है, उधर हमने कप्तान पांड्या को बना दिया लेकिन ODI के लिए हमने तुम लोगों के लिए बड़ी तैयारी की है, मैं और कोहली भाई तुम्हारे लिए अकेला ही काफी, ऐसे तुमको ठोकेगा भैया तुमको कहीं रास्ता नहीं मिलेगा, बड़े आए टैटे करने वाले, वैसे तुम्हारी आदत होती पहले टैटे करने की, सो करते जाओ, जब होंगे मैच फिर आपको बताएंगे कौन जीतता है, अब करो फोकट में टैटे, तुमको कौन रोक सकता है, तुम्हारी आदत है। छोर यार रोहित भैया, इनकी आदत है, तुम खामखा इनको मुंह नहीं लगा, इनको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, इनको हम जवाब देंगे इनके लिए, मैं अकेले काफी हूँ। बाबर और रजवान मियां, देखा नहीं कोहली का बल्ला कैसे चलता है, T20 में भी ठोका था, अब ODI मैचों में भैया डबल डबल शतक लगाऊंगा, तुम्हारी बस की बात नहीं, बाकी रोहित भाई की बात सही है, तुम टेंटे करो, उससे तुमको हम कभी नहीं रोकेंगे, ना ही तुमको कभी कोई रोक पाएगा, बाकी हमसे जीतना तुम्हारे बस की बात नहीं। कोहली भैया बस करो, रहने दो, तुमको बहुत गुरूर है क्योंकि हमने कभी ODI वर्ल्ड कप में आपसे मैच नहीं जीता ना, एशिया कप में तो जीता, पहले एशिया कप में ठोकेंगे, उसके बाद T20 में भी नहीं जीता था, बाबर की कप्तानी में ठोका, अब ODI में ठोकेंगे, और तो और एशिया कप का टाइटल भी हम जीतेंगे और विश्व कप भी हम ही जीत के लेके जाएंगे, तुम्हारे देश में हो रहा ना, तुम्हारे भैया छाती पे पांव रख के कप उठा के जीत के लेके जाएंगे, तुम देखते रह जाओगे, हम फोकट में टेंट नहीं करता, ये तुम्हारा आदत होता फोकट। छोड़ो यार बाबर भैया, तुम तो फोकट में टेंटे करते हो भैया, इस बार भी तुम नहीं जीत पाओगे, एशिया कप भी हम जीतेंगे, तुमको ऐसे ठोकेंगे, उसके बाद विश्व कप की रही बात, 2011 में भी हमने जीता था, रिकॉर्ड बनाया था, जिस देश में होता वो कभी जीत नहीं पाया, हमने 2011 में जीता, अब 2023 में फिर जीतेंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम फाइनल में आओ, अगर गलती से आ भी गए हमारे सामने तो आपको भी ठोकेंगे, क्योंकि इस बार टाइटल तो हमको जीतना है, तुम भैया करते जाओ फोकट में टेंटे, होने वाला तुमसे कुछ नहीं। रोहित भैया आपको पहले बोला, रहने दो, इनको मुंह मत लगाओ, पाकिस्तान वालों, बाबर और रजवान मियां, आपसे कुछ नहीं होने वाला, ये देखना ये कोहली आपकी भैया ऐसी लंका जलाएगा ना, तुम भैया हाथ लगा लगा के देखोगे ये क्या हुआ, रहने दो, अब भैया चुपचाप जाके अपना काम करो, और फिर हमसे जब भिड़ोगे तो फिर पता चलेगा कि कोहली कैसे तुमको ठोकता है, तुम तो बाबर भैया फोकट में किंग बन के बैठ गए हो। अबे बस कर कोहली भाई, तू किंग है, अकेला क्या उखाड़ लेगा, तू अकेला थोड़े से रन बनाएगा लेकिन इस बार वो भी तेरे को नहीं बनाने देंगे, हमारे पास हर कोई बल्लेबाज अपने आप में किंग है, मेरे को देख लो, ऊपर से भैया साउद शकील हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया, सलमान अली आगा हो गया, हम सब मिल के आपको ऐसे ठोकेंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे भी इस बार कुछ नहीं होने वाला है, जीतेंगे तो हम ही। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।